हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हो गया आज, ऑलमोस्ट 9 बजने वाला है और मैं जा रहा हूँ अभी ब्रश करने। तो आज फ़िलहाल आज तो डब्बा नहीं ले जाऊँगा, आज ऑफिस में ही खाना वाना मंगवा लूँगा। बहुत लेट हो गया यार, चाय भी नहीं पिया है अभी। तुम चाय पी ली क्या? ओह, जानती हो एसी नहीं चलाना है ना, पंखा के नीचे बैठ जाओ, बिजली बचेगा। गुड़ डाल दिया इसमें, गुड़ डाल दिया बढ़िया से। दे दो दे दो, भूख लगा है बहुत, जल्दी खा के निकले। जन्नत है सिंपे। जितना हम दही चूड़ा से नफरत करते थे बचपन में, उतना ही ज़्यादा अब अच्छा लगता है। देखो जरा इस लड़की को, खाली सोते रहना है, रात भर जगेगी और सुबह में उठना नहीं है। ये लड़की को उठो ना उठो ना, उठ जा बेटा, 10 बज रहा है। ऐसे ही सब गलत आदत है ना तुम्हारा, रोज इतना लेट तक सोना। आज तो तुम लोग जाएगी बर्थडे पार्टी में, देखते हैं। कल गिफ्ट तो खरीदी है, फिर देखते क्यों हैं? हाँ। अच्छा डाउट है? अरे नहीं, डाउट नहीं है। नमस्ते भैया। लो भैया, आ गई हमारी गाड़ी। चलो जी, निकला जाए ऑफिस। हाय गाइस, तो अभी खाना वाना हो गया। मैं अभी थोड़ा लेट से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा काम आज मैं मम्मी को बिंदी लगाया। देखो मेरे को बिंदी लाके लगाई है, टेढ़ा लगाई हो या सीधा पता नहीं, तो कहाँ लगाई हो बिंदी? हट निकालो, हटाओ। तो अभी खाना वाना खा के बस देखो थाली पड़ा है, हाथ जा रही हूँ धोने के लिए। तो अचानक से मैं टाइम देखी तो बोले आज ब्लॉगिंग, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था तो फ़ोन में उठा ही नहीं पाई और फ़ोन मेरा चार्ज भी नहीं था, डिस्चार्ज हो गया था। ये गाना देख के ना ख़त्म करती थी। और सौरभ तो ऑफिस थे, तो लेट से आज ब्लॉग थोड़ा स्टार्ट की हूँ 2:30 बजे। लेकिन मम्मी चार्ज में लगा दी। मम्मी बिंदी लगाए हैं, देखो इसको कहाँ से निकाली बिंदी? बेडरूम से आपके लिए, बेडरूम से मेरे लिए। हाँ देखो थोड़ा इनका मुंह देखे, थोड़ा दिखाओ। आज डॉटर डे है क्या? हाँ बेटा, आज जितनी सारी डॉटर है सब लोग का आज डॉटर डे है। सो मैनी डॉटर, नेशनल डॉटर डे। आज नेशनल डॉटर क्या होता है? आज पूरे मतलब जितने भारत में, जितने राष्ट्र में जितने बच्ची है ना, लड़कियाँ, आज सबको प्यार करो। प्यार तो रोज ही करते हैं सब लोग को, क्योंकि आज निशिका, उसको आज सेलिब्रेट करो आज के दिन, क्योंकि आज कोशा का बर्थडे है। हाँ, और आज इसकी फ्रेंड का भी बर्थडे है ना? क्या कर रही हो? हाँ ये देखो, ये क्या कर रही है, सोने भी नहीं दी है और न खुद सोई है पूरे दिन। आज तो कोशा का बर्थडे था और तुम आज सोने भी दी। आज केक भी कट गया। क्या हुआ, जाने दो ना, कट गया तो क्या हुआ? नहीं कटा। तो तुम ही बोली कट गया। नहीं कटा। गई थी शादी में। कौन सा पहनेगी? वो वाला व्हाइट वाला फ्रॉक जिसमें लीफ है ना, वो जो गोवा पहन के गई थी शादी में, व्हाइट वाला। हाँ वो। तेरा मन भरता है कभी फ्रॉक से? नहीं। तुम्हारे पास कितना भी फ्रॉक हो, तुमको मॉल के अंदर घुसा दे, दुकान के अंदर, क्या ने इतना फ्रॉक है, हजारों लाखों, फिर भी तेरा मन भरेगा कभी? नहीं है? भरेगा। तब भरेगा। कितना फ्रॉक चाहिए बताओ? बस 10। हाँ। दूध रखा हुआ है ना? हाँ। तुम तो बस खेलने में लगी रहती हो हर समय। अरे मैग्नेट है वो, तो हमको पता है, दिख रहा है। बाल मतलब क्या यार, तुमको गर्मी नहीं लगता है? पता है दोस्तों, ये पूरे दिन ना फैन चलाती है। मैं अभी एसी हाई कूल पे क्यों, मुझे इतना गर्मी लग रहा था ना यार। किचन में चाय बना रही थी, देखो इधर मेरा चाय रखा है, मैं चाय बनाई हूँ और इसका दूध पड़ा हुआ है। और शाम हो गया है दोस्तों, तो अभी मैंने दिया भी जला दिया है। देखो 6:10 हो गया है, क्या देख रहे हो ना? देख के मतलब कोई बोलेगा दोपहर का 3:30 बज रहा है। ऐसा हाल है। और ये मेरे बालकनी में दोस्तों ऐसा पूरा फैला है ना, क्या बोले, पूरा ये गिलोई का पत्ता जो है ना ऊपर तक, देखो ऐसे लंबा लगता जा रहा है। पर सुनते हैं कि गिलोय का पत्ता का हवा अगर आता है ना आपके इसमें तो बड़ा अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ये पत्ते को खाने के लिए भी, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। दूध रखा है, पीती हो कि नहीं? जल्दी जल्दी पियो दूध, पियो दूध जल्दी। अभी ब्लॉग एंड नहीं कर रहे, अभी शाम हो रहा है, अभी ब्लॉग चलेगा, रात में एंड करते हैं, ठीक है? ओके चलो दोस्तों थोड़ा चाय पीने, वरना मेरा ये चाय गिरा देगी, पता है। हाय गाइस, तो अभी रेडी वेडी होके निकल गए हैं और आनिया को देखो मस्त एकदम गिफ्ट लेके पड़ी हुई है। हाय, इस पार्क में कितना भीड़ हो चुका है। शाम होते, आज का वेदर भी बहुत अच्छा किया हुआ है, देखो बादल लगा हुआ है, पूरा भीड़ किया हुआ है। और आनिया पूरा रेडी वेडी होके देखिए चेहरा। हम कहाँ जा रही हो? बहुत अच्छी हवा चल रही है दोस्तों, एकदम ठंडक है आज हवा में, पर कब आंधी आ जाए कोई भरोसा नहीं। चलो जल्दी चलो, आ जाओ, लिफ्ट आ गया फाइनली। चलो चलो, पता है दोस्तों क्या हुआ है? पहले तो ग्राउंड दबा दे। पता है दोस्तों आज क्या हुआ? हमें जाना था टावर 7 में, तब टावर 8 में, और हम चले गए थे टावर 7 में। बेल भी बजा दी, मतलब तो बर्थडे वाला घर है, कोई मतलब बाहर में ये नहीं है डेकोरेशन हो रहा है, कंफ्यूजन तो हो गया पक्का। चलो चलो, मेरी गाड़ी आ गई, निकले जरा थोड़ा आगे कर लीजिए। चलो जी, हेलो भैया, आराम से, जबर खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं आप तो। हो गया, चलिए। सिंपी आ गई, क्या होगा? अरे ये आन्या वो गई, उसको छोड़ के आई ना बर्थडे में गई। अच्छा बर्थडे वाले में तुम नहीं गई? बच्चे लोग थे तो उसको छोड़ के चले आए, खेले पानी लेने के लिए। वाह अच्छा लग रहा है वैसे, आपको हर चीज अच्छा लगता है, तुम भी अच्छी लगती हो। पता है खुद भी तो नया टी शर्ट पहन के गया है, हर दिन रोज रोज टी शर्ट आ रहा है और उसके पहन के एक टी शर्ट। पानी उन्हीं नहीं लेके गई। हाँ चलो पानी लेके आई स्पेशल। चलो पानी पिला के रखी हुई हो तुम। इसका पानी है, मेरा पानी। भैया खाना बहुत अच्छे करते हैं। नहीं खाना हम, अरे हम बहुत अच्छा खाना बनाते ले। ये क्या ये मना करती है क्या? नहीं नहीं, मतलब हम आपका वीडियो आप लोग का देख, बस बस आप वीडियो को ही साक्षात्कार मानिए। हाँ। वही सच्चाई है। बनाते अच्छे हैं, वो भी बोल रहे हैं। तो थोड़ा तो भाई कर दिए, इतना कम बात है क्या? अरे हम मेरा इससे इसी बात के लिए लड़ाई होते रहता है कि तुम जो मेरे को बोलती हो कि बाकी लोग ये करे, बाकी लोग वो करे, हम बोले कौन ऐसा हस्बैंड है जो किचन में इतना हाथ बटाता होगा। जो लोग रहते हैं ना बिहार झारखंड, वो खाने के थोड़े शौकीन रहते हैं, नहीं तो यहाँ का देखती हो मसाले। हम दोनों तो बिहार के हैं। हाँ, तो इसीलिए भाई हम लोग को 4-5 चीज चाहिए होता है। हाँ, खाने में ये बिहार से ही सब्जी। अपना इतना हल्का पर्स भी नहीं टांग सकती हैं, बताइए। चलो जी, बर्थडे खत्म हो गया और अभी कॉल आया था मेरी फ्रेंड का, आनिया को लेने जा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे फिर से। तुम आनिया को बोल, जी आनिया यहाँ पे है, मजा आया? हाँ चलो, तो क्या गिफ्ट? हाँ, क्या मिला गिफ्ट में आनिया को? देखिए चॉकलेट पर्स, ब्यूटीफुल वाला। हाँ एंजॉय की एकदम, उसका पता है अच्छा प्रिंसेस वाला था। उधर उधर सा हो रहा है, इतनी गर्मी है ना यार, पसीना पे पसीना एकदम। जल्दी लिफ्ट कोई इंगेज करके रखा हुआ है, पता नहीं। चलो लिफ्ट में घुसते हैं। अरे कहाँ गई थी? बर्थडे में न्यू फ्रॉक पहनकर, वाह लुकिंग सो प्रेटी। डमी कूल लगाए हैं क्या? नहीं कुछ नहीं, पूरा घर में स्मेल आ रहा है उसी का। नहीं पता कहाँ है, तुम लगाई होगी। कूल ये लगाइए, कूल कूल। हाँ वेरी नाइस। किधर है बेटा? अरे क्या हो गया? अरे 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 क्या है? सरप्राइज में दिखा रही। अच्छा, इट्स क्लोज। डेरी मिल्क मेरे लिए, थैंक यू। बस एक ही गिफ्ट और नहीं है मेरे लिए? नहीं, इसमें बस पर्स है। आइस क्लोज। ओके, दिखा दो दिखा दो। वाह, ये तो बहुत प्यारा है आन्या। और देखो सरप्राइज, ग्रीन पेन, इसका तो मम्मी को बहुत जरूरत है एज पर न्यूमेरोलॉजी। रिंग, ओ माय गॉड, दे दो। ये तो पापा को दे रही है क्या? है सब्जी उब्जी वही है, बीन्स है, कद्दू है, कोड़ा। बन जाएगा सांभर ना? नहीं बनेगा, टाइम तो नहीं लगेगा। देखो अभी सांभर बनाने जा रही है सिंपल। टाइम, जिन लोगों को भी सांभर नहीं आता बनाने, सांभर में पड़ता है तुअर दाल। चना दाल डाल के मत बनाइएगा। सांभर बन गया। वाव, क्या मस्त लग रहा है यार। छौंका लगाओ एकदम तगड़ा वाला। वाव, सिंपी के हाथ का इडली इतना पसंद है ना मेरे को। हींग तो इसमें पड़ा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, चलता है। तो थोड़ा इसको पका दो। ले, ऑने नहीं था कैमरा, सॉरी, छौका लग गया। तुम तो रोज जाती है ना स्विमिंग करने? तुम क्यों नहीं लेके जाता है? ओ, ले जाएगा पापा कल। आजकल डबल शिफ्ट चल रहा है, एक ऑफिस का काम ऑफिस तक, यहाँ पे एडिटिंग का काम और वीडियो। हाँ यार, सांभर खिलाओ, इडली भी दो, एक इडली खा के जाओ। अरे मेरा बनाया हुआ सांभर है यार, हम बनाए हैं। मेरा वाला बहुत, वीडियो में देख लेना, देख लेना वीडियो में। चुप रहिए, उनके नमक पता। हाँ, टेस्ट कर, मेरे को नहीं, उधर टेस्ट करो। अरे खुद टेस्ट करेगी, मैं भी नहीं देती किसी और को टेस्ट करने के लिए। मेरे हिसाब से खाना होना चाहिए ना, मेरे को हम बस टेस्ट करेंगे। अरे टेस्ट तो करो यार, इडली दो, इडली। पता है सांभर हेल्दी है, इतना अरे नहीं खाना चाहिए। अरे खाओ यार, अरे सच्ची में खाना। अरे सीरियसली, इतना में क्या होगा? मैं बस टेस्ट करूंगी। इतना तो आन्या ऐसे खा लेती है। इडली अच्छा बना है, फास्ट फॉरवर्ड में बना है एकदम, कोई सिंपल बनाई। वैसे हम बताएं, 15 मिनट में बनाए पूरा खाना, लिटरली 15 मिनट्स। आप बनाए, हमको पता ही। अरे इडली तुम बनाई है, वो मेरे को पता है। और इडली सिर्फ 12 मिनट में बनता है, उसके पहले 5 मिनट में सांभर जो है वो तैयार हो गया था। चलो चलो, लाओ लाओ, तुम भी ले आओ। हाँ, उसको कल जाना है, वहाँ पे जाके खा लेंगे। मेरे बाल नहीं तो पता आप जितना। बेटा, बाल में ऑयलिंग करने से मालूम है क्या होता है? हेयर ग्रोथ होता है और स्ट्रॉन्ग भी बनता है हेयर। चलो, स्टेयर नहीं बेटा, बहुत ऊपर है, आओ। अंकल का हिम्मत नहीं है अभी स्टेयर वाला, अभी हम लोग लिफ्ट से जाएंगे। ओके, नहीं मन है बेटा, थक गया है अंकल। तो दोस्तों, मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो गया है और रात का बज चुका है 12। तो चलो दोस्तों, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे अंत। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं जल्दी आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।